गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दो चार दिन से मैं वीडियो बनाने गया था, गांव में आके इतना बिजी था। क्यों बिजी था आपको मैं बार बार बोल रहा था ना, एक सरप्राइज़ है। तो वो सरप्राइज़ का दिन आ गया है, ठीक है। तो वो सरप्राइज़ आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। गुवाहाटी से बिहार आया हूँ और आज हल्दी का रस्म है। ऐसे तो चार पाँच दिन से रस्म चल रहा है, तो इतना बिजी था कि मैं उसका ब्लॉग बना नहीं पाया, वीडियो बना नहीं पाया। तो आज हल्दी का रस्म है, हल्दी का रस्म अभी स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग सब रेडी हुए हैं, आप सब देख रहे हो, सब पूरा घर में हम लोग सब येलो ड्रेस ही पहने हैं। और अभी आपको बैक कमरा करके दिखाएंगे कहाँ पे हल्दी रस्म होगा वो, ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, सब अपने रेडी हो गए हैं बहन को हल्दी लगाने के लिए, बड़ी दीदी को, सब येलो में आपको दिख रहा है, सब रेडी है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये देखिए आपको स्टेज दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये स्टेज कितना सुंदर सजा है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो अभी हल्दी का रस्म स्टार्ट होने वाला है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बनी रहिएगा मेरे चैनल पे, बहुत ही मस्ती होने वाला है आपको। पूरा बिहार का शादी जो होता है वो बताएंगे आपको, कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होता है बीत। आप लोग बाहर की शादी तो बहुत देखे होंगे मॉल में और ऐसे मैरिज हॉल में होता है शादी, बट ये गांव का शादी, प्योर गांव का शादी दिखाएंगे हम लोग। अपने घर पे ही मना रहे हैं, कोई शादी भवन रुके हुए हैं कुछ नहीं, तो खूब मस्ती करेंगे, बने रहिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सुशांत कुमार जी आ चुकी है स्टेज पे और हल्दी का रस्म स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं हम लोग सब येलो ड्रेस में हैं। ये देखो, ये बाबू छोटा सा भी येलो ड्रेस में है, सब येलो ड्रेस में है। अभी स्टेज का काम चल ही रहा है, तो रात तक कंप्लीट होगा, डोंट वरी। अभी आपको हल्दी का दिखाते हैं सब। भांजी है और अभी बीत स्टार्ट होगा। हाँ, पहले दादी कहाँ से गाना सुनवाते हैं।
आप लेते रहिए मेरा वीडियो स्नान किया जाता है। बच्चों को एक गाँव का जो भी सीन नजर है, एक कुआँ है, कुआँ के पास पूजा हो रहा है, वो सब आए हुए हैं। जगह किसका मैं फिर आपको कुआँ दिखा नहीं सकता हूँ, वहाँ तक जाना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आप लोग के लिए दिखाने के लिए। कुंवर कुआँ ये देखिए, आपको गांव का मटके दिखाते हैं। ये हो रहा है, ये कुआं है, ये कुआं पे पूजा होता है। मेरी भांजी का शादी है, उनको यहाँ पे नहाया जाएगा आज। और
जितना भी शादीशुदा है सब वो सुहाग देते हैं, उसको बोलते हैं सुहाग देना, आशीर्वाद भी बोलते हैं आशीर्वाद देना। ये देखिए चल रहा है, आप लोग का यहाँ पैसा होता है कि नहीं बताइएगा, क्योंकि वो मैथिली हम लोग मैथिली है बिहार में, मैथिली वासी है, तो मैथिली का ये रीति से हम लोग पूजा हो रहा है। बिहार में आपको बहुत तरह के मिल जाएंगे शादी, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के शादी होते हैं, तो ये भी एक कल्चर है, ये हमारा कल्चर है। क्या क्या होते हैं सबको दिखाएंगे आपको। पहले हल्दी हुआ, हल्दी होने के बाद अब ये हो रहा है, ये मटके हो रहा है, इसके बाद फिर आपका भी गिधाड़ी होगा, फिर मेहंदी होगा, इसे आज ही इस सब आज ही हम लोग करेंगे, इसके बाद आपकी शादी है वो भी दिखाएंगे। आप बने रहिए ब्लॉग में, ये देखिए आपको दिखाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं ये अनिमेश है और इसके ये चिल्लर पार्टी सब है, सब मिलके ये देखिए भोज बन रहे हैं, भोज के लिए यहाँ पे भोज भंडारा बन रहा है और उसके लिए आलू छील रहे हैं लोग। एक बार दिखा दो अनिमेश बोल, सोनू मुंह दिखा, तुम लोग भी दिखाओ मुंह, बन रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये भी एक आज जो आया हुआ है घर का भी सबके खाना बन रहा है और उधर बीत तो चल रहा है, तो भी मिलते हैं, तुम लोग करो आ रहा हूँ मैं। ये पूजा हो रहा है नारायण भगवान का पूजा, ये पूजा होने के बाद घर में पूजा उधर प्रसाद बन रही है, तो दोस्तों शादी का मौसम है, आप मेरा कंडीशन देख के समझ ही सकते हैं क्या अवस्था है, फिर भी लगे हुए हैं। पहली भांजी का शादी है, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है और मैं कभी गांव में रहता भी नहीं हूं, तो इतना नॉलेज भी नहीं है मामों को क्या क्या करना पड़ता है, तो इतना भाग दौड़ हो रहा है, इतना भाग दौड़ हो रहा है कि मैं अपने आप को कुछ कर नहीं पा रहा हूं अपने आप पे, अब दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और आपसे वीडियो देखिए, मैं जो भी हो सकता है, मैं एक्चुअली मेरा मेन मोटिव है दिखाने का वीडियो आप लोग को कि हम लोग गांव में कैसे शादी करते हैं, गांव में कैसे शादी होता है। हम तो बाहर में देखते हैं शादी, लेकिन मेनली गांव में कितना विध होता है, कितने तरह के मतलब रिवाज होते हैं जो हमें जो वर्षों से चली आ रही है हमें करना पड़ता है, तो वही सब विध हो रही है। इसीलिए आपको प्योर गांव का शादी दिखा रहा हूँ जितना हो सके मैं बना रहा हूँ। अभी आज हल्दी हुआ सुबह, अभी मेहंदी होगा, मेहंदी बाकी है अभी। आपको ये हो गया मटकोर बोलते हैं, मटकोर मतलब जो कुआं पे जाके पूजा कुछ होता है वो भी हो गया। अभी घर में एक पूजा है जो मुझे करना पड़ेगा, भाई मेरी दीदी जीजा जी ये लोग भी पूजा करेंगे और मुझे कुछ वहाँ पे मेरे का भी कुछ काम करना है, तो मैं वो करने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा गाँव का शादी आपको दिखाने जा रहे हैं, तो शादी तो एक्चुअली 29th को है, आप लोग सब इन्वाइटेड है, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आप लोग का ब्लेसिंग चाहिए मेरी भांजी को, जो अपने ज़िंदगी में खुशी से अपने जिंदगी परिवार जिंदगी आगे बढ़ा सके, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिएगा, वीडियो उतना अच्छा नहीं बना अभी हो तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा भाई पे, भाई कोशिश कर रहे हैं बनाने का, तबीयत बहुत ही ख़राब है, अचानक से गाँव आया था ठंडी हो गया, तबीयत गला वला सब बच गया है मेरा, खाने पीने का भी ठीक कुछ मतलब कोई समझ रहे शादी घर में जैसा होता है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए और वीडियो देखिए। आपको मेन जो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कैसे गांव में शादी होता है, ठीक है दोस्तों। तो स्टे कनेक्ट, आपको फिर से दिखाते हैं, अभी मेरे को जाना पड़ रहा है, फिर मिलते हैं आपसे, तब तक स्टे कनेक्ट। Yeah, yeah, yeah.
अच्छा बाप से बोल रहा हूँ फिर से अपने बाहर आ रही हूँ comfortable and stylish some outfits from Amazon. Choose your style. Let's go.
खाना खाना।